देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। अलीगढ़ की कोतवाली खैर के अंतर्गत विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीते 2 साल पहले छोटे पुत्री भंवर सिंह निवासी बुलंदशहर की रिंकू निवासी केलपुर थाना खैर से किसी शादी में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों ने 2 साल पहले आर्य समाज मंदिर में एक साथ जीने मरने की कस्में खाई और एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया। लेकिन छोटे के परिजनों के पैरों तले जमीन तब खिसकी जब पुलिस ने सूचना दी कि उनकी बेटी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पुलिस की सूचना पर परिवार में चीख पुकार होने लगी। परिजनों के आग्रह पर पुलिस ने जल्दी चिता से शव को उठवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये डेढ़ दो साल पहले लड़की एक चली गई थी लड़के के साथ। इन दोनों ने घर से निकल के शादी कर ली थी। इस लड़की लड़के के जो संबंध एक रिलेशन में बन गए थे जिससे इन्होंने भाग के शादी कर ली थी। और अब आज पुलिस के मार्फत पता लगा, पुलिस का फोन आया कि आपकी लड़की को ये लोग इन लोगों ने मार दी है, जलाया जा रहा है, उसका क्रियाक्रम किया जा रहा है। आधी जली हुई चिता में से लड़की को निकाला पुलिस ने। हमें इन्फॉर्मेशन दी तो हमने जैसे पुलिस का फोन पहुंचा तो मैंने बताया कि हाँ लड़की तो ये हमारे परिवार की है, परिवार से ही लड़की है, तो बिन कि आप इसे रुकवाओ। तुरंत पुलिस वालों ने वहाँ से रुकवाया है, लड़की को निकाला है और उसे फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं। हमें सूचना मिली है, हम सारे लोग हैं पोस्टमार्टम हाउस पहुँचे हैं। महिला थी छोटू नाम की, उसने हर समाज में मंदिर में रिंकू नाम की लड़के से शादी की थी 2 साल पहले। वो सलेमपुर बुलंदशहर की रहने वाली थी। कल उन्हें फांसी लगा के ख़त्म हो गई। वो उसकी डेड बॉडी को उसके परिवार महके वालों को सूचना ना देके स्वयं वो जो है दाह संस्कार कर रहे थे। पुलिस ने जाके उसको रुकवाया और पोस्टमार्टम को भेजा। उसके परिवार वालों को खबर कर दिए, जैसे ही वो आ जाएंगे जो भी तहरीर देंगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है? बस रास्ते में ही आ रहे हैं, खबर भी। तो वहीं छोटे के परिवार वाले ससुरालियों पर हत्या की बात कहकर मुकदमा दर्ज करवाने की बात कह रहे हैं। क्षेत्राधिकारी खैर से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मामला गंभीर है, परिजनों की तहरीर के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।